Students, welcome to MSG Institute. And as you know very well, it's time to deliver your science lecture for class 9th, and you know it is lecture 7 of your first unit. So shall we start? तो बेटा अब हम स्टडी करेंगे लेक्चर 7 में और देखते हैं क्या स्टडी करेंगे. उससे पहले लास्ट लेक्चर के बारे में क्विक रिविजन ले लेते हैं. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में. ओके, सबसे पहले मास और वेट में डिफरेंस बताया था, वॉट इज मास एंड वॉट इज वेट एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट. ओके, वेट इज डिपेंड ऑन मास एंड ग्रेविटी बिकॉज डब्ल्यू इक्वल एम इन टू जी. आप पढ़ के आए हो 6th, 7th, 8th में. और बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात कर रहे थे मेनली, तो देर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. सॉलिड के बारे में यू नो वेरी वेल, लिक्विड के बारे में यू नो वेरी वेल, गैस के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, प्लाज्मा भी पता है. कि प्लाज्मा क्या होता है बेटा? गैस, ये क्या होता है? गैस होता है, गैस का स्टेट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, ओके, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे गैस का स्टेट होता है, इसी को प्लाज्मा बोलते हैं. ठीक है बेटा, इसी को प्लाज्मा बोलते हैं. और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? अगर हम किसी भी पर्टिकुलर गैस को बहुत ही ज़्यादा कूल कर दें, बहुत ही ज़्यादा कूल कर दें, किसी पे, किस पे, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन पे कर दें, तो वो क्या बन जाता है? वो एक अलग मैटर बनेगा, एक मैटर की एक स्टेट बनेगी, जिसको बोलेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. और बेटा इसी को बोलते हैं सुपर एटम. सुपर एटम मीन्स अगर हम 273 डिग्री, -273 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स आप ये देखो कितना ठंडा होगा, कितना ठंडा होगा, तो उस पर जो मैटर की स्टेट मिलती है उसको सुपर एटम बोलते हैं. सुपर एटम, और इस मैटर की स्टेट को क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. तो बेटा कभी भी साइंस में सुपर एटम लिखा होगा, सुपर एटम, सुपर एटम लिखा होगा, तो क्या समझोगे आप उसके बारे में? सुपर एटम के बारे में समझोगे कि वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है. फिर मैंने आपको बताया था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में पार्टिकल्स में क्या होता है, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, फिर मैंने ये लिस्ट बना के आपको डिफरेंट बताया था कि सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है, लिक्विड में, गैस में, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, और ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था. ओके, सो मैंने आपको ये बताया था डेंसिटी कैसे काम करती है. लेकिन डेंसिटी क्या होती है बेटा? अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में फ्लो कर रहा है, सो अगर ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी और लिक्विड की ज़्यादा होगी. जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, आप रिवर में स्विमिंग कर रहे हो तो आपकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी, क्योंकि बेटा जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करता है और जो वाटर की डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा होती है. क्लियर? फाइन. सो प्लाज्मा के बारे में बताया था, प्लाज्मा अकर्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, स्पेशली जो स्टार्स में, लाइटनिंग में, न्यून लाइट्स में, वहाँ गैसेज होती हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे. ओके, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा. तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए थे मैंने प्लाज्मा के, जैसे लाइटनिंग होती है, अरोरा होता है, न्यूक्लियर फायरबॉल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे, और आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है. आयनाइजेशन मीन्स वहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिसके कारण उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ओके बेटा, सो जैसे लाइटनिंग है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, आपने देखा ना लाइट्स निकलती है वहाँ से, सो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो यही रीज़न है. तो बेटा प्लाज्मा की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि प्लाज्मा इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए गैस. वैसे तो ये गैस का ही पार्ट है, लेकिन गैसेस से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि गैसेस यहाँ पे हाई टेम्परेचर में अवेलेबल होती हैं. गैसेस यहाँ पे हाई टेम्परेचर में अवेलेबल होती हैं, और ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या होता है,
फ्री इलेक्ट्रिकल चार्ज का प्रोडक्शन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव जहाँ पे आएंगे मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। फिर मैंने आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बताया था 1920 में, सत्येंद्रनाथ बोस थे, उन्होंने फाइंड आउट किया। एक और स्टेट होता है मैटर का जिसको कंडेंसेट बोलेंगे, क्लियर। फिर उन्होंने वो अपनी थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टीन को मेल की, अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी रिसर्च किया लेकिन वो दोनों नहीं कर पाए। 1995 में थ्री साइंटिस्ट आए और उन्होंने ये प्रूफ किया और 2001 में उनको नोबेल अवार्ड मिला इसके लिए, ठीक है बेटा। सो, इन्होंने क्या नाम दिया इसका, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। होता क्या है, अगर हम गैसेस स्टेट को बहुत ज़्यादा कूल कर दें, किस पे, -273 पे, तो उस प्रॉब्लम उसको कहा जाएगा कंडेंसेट। तो एक मैटर की नई स्टेट बनेगी जिसको कहा जाएगा कंडेंसेट। क्या कहा जाएगा बेटा, कंडेंसेट, कंडेंसेट। और वो जो मैटर की स्टेट होती है वो क्या होता है, सुपर एटम होता है। क्या होता है बेटा, सुपर एटम। तो सुपर एटम, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्लियर। बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए बेटा जी, ओके। सो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, जहाँ भी सुपर एटम आपको लिखा मिले दैट आप समझ जाना कि ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात कर रहा है, ठीक है बेटा। सो ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया, आज के लेक्चर में चलते हैं और देखते हैं बेटा लेक्चर नंबर 7 में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। सो लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे बेटा, अभी हमने सॉलिड देखा, लिक्विड देखा और गैसेस देखी। तो बेटा सॉलिड लिक्विड गैसेस आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम देखते हैं, अब अगर हम इनको चेंज करना चाहें, इंटरचेंज करना चाहें, तो इंटरचेंज कैसे करेंगे। तो बेटा आपस में इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, जो जितना मैटर है, जैसे सॉलिड है, सॉलिड में को गैस में कैसे इंटरचेंज करेंगे, गैस को लिक्विड में कैसे इंटरचेंज करेंगे। सो अब ये बेटा इंटरचेंज क्या होता है देखते हैं। इंटरचेंज का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना, इंटरचेंज या फिर इंटर कन्वर्जन बोल सकते हो, इंटर कन्वर्जन क्या होता है, ये एक स्टेट है आपकी, तो बेटा इस स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करना, मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज करना। जैसे अगर आपके पास सॉलिड है तो सॉलिड को किस में चेंज करना, लिक्विड में चेंज करना। अगर आपके पास लिक्विड है तो लिक्विड को किस में चेंज करना, गैस में चेंज करना। ये आपके रूटीन लाइफ के एग्जांपल्स हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे से सीख जाओगे आप, ठीक है बेटा। बस लेक्चर अटेंड करते रहना, समझते रहना, क्लियर बेटा। जैसे सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज करते हैं, आपको पता है, आइस फ्रिज में रखी हुई है, आइस को बाहर निकाल दो थोड़ी देर के लिए, तो जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा उसका, ओके, टेम्परेचर कम होने का मतलब है फ्रीजर में तो टेम्परेचर कम होगा, और धीरे धीरे जब हम बाहर निकाल देंगे तो टेम्परेचर उसको थोड़ा, क्योंकि आउटसाइड का टेम्परेचर फ्रिज के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तो उसका आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे ही आइस का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। वाटर क्या है, लिक्विड, तो सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। ऐसे ही बेटा लिक्विड को आप हीट अप करोगे, जैसे ही हीट यूज़ करोगे यहाँ पे, तो हीट जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और बॉयल होने के बाद वेपर बनने शुरू होंगे, और वेपर क्या होती है, वेपर एक गैस फॉर्म होती है। तो इस तरह से यहाँ पे चेंज होता है। तो बेटा अभी ये इंटर कन्वर्जन जब हम करेंगे इसका, सो इंटर कन्वर्जन अभी ये इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, तो बेटा किन चीज़ों पे डिपेंड्स करता है, व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच इंटर कन्वर्जन डिपेंड्स। देयर आर टू फैक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी आपको बताया बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा या टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, इन्हीं में से कुछ एक होने वाला है, चेंजेस इन टेम्परेचर। नेक्स्ट, चेंज इन प्रेशर, तो बेटा यहाँ पे चेंज इन प्रेशर, तो यहाँ पे दो फैक्टर हमें मिले हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर हम इनमें चेंज करेंगे, टेम्परेचर में और प्रेशर में, तो फिर जो मैटर की स्टेट है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर। सो कैसे करेंगे चेंज, क्या होने वाला है अभी हम देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है बेटा। तो इंटर कन्वर्जन किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर पे और चेंज इन प्रेशर पे। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे ऐसे ही हमारा स्टेट चेंज होता चला जाएगा, प्रेशर में चेंज करेंगे तो भी चेंज होगा, ठीक है बेटा, क्लियर। और अभी जब हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे और प्रेशर में चेंज करेंगे तो एक्चुअल में होता क्या है, होता बेटा ये है, पार्टिकल्स के साथ होता है जो भी कुछ होता है, और वो होता क्या है, वो होता है कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या तो वो वीक हो जाता है या फिर स्ट्रांग हो जाता है। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या तो वो वीक हो जाता है या स्ट्रांग हो जाता है। और सेम अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो बेटा इंटर पार्टिकल स्पेस पे भी डिफरेंस होगा, ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस भी वेरी करेगा। अगर फोर्स, मैंने आपको बताया था बेटा, देखो पार्टिकल्स के बीच में अगर स्पेस कम होगा तो सॉलिड होंगे, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा
हल्का ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, मीन्स लिक्विड होगा, और अगर इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर मोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा वीक होगा। तभी तो इंटर पार्टिकल स्पेस काफ़ी यहाँ पे एक मैक्सिमम क्वांटिटी में होगा। क्लियर? तो यहाँ से एक शॉर्ट वे में बताते हैं बेटा, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बनाया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल स्पेस। अभी इंटर पार्टिकल को क्या बोल सकते हैं? इंटर मोलिकुलर, ठीक है, इंटर मोलिकुलर स्पेस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, ओके, इंटर पार्टिकल बोलो या फिर इंटर मोलिकुलर बोलो, एक ही बात है। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? देखो बेटा जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, ये मैंने आपको डेंसिटी में भी बनाया था कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा बहुत ज़्यादा होगा, तो ये इंटर मोलिकुलर स्पेस क्या होगा? इंटर मोलिकुलर स्पेस कम होगा। ठीक है बेटा, तो ये इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज होगा तो एक इंक्रीज होगा, जस्ट अपोजिट रिलेशन होता है। ठीक है बेटा, फाइन, मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ बेटा। ए प्रोपोर्शनल बी का मतलब है कि अगर ए इंक्रीज होगा तो बी भी इंक्रीज होगा। मैंने बहुत डिटेल में बताया आपको डेंसिटी में, लेकिन बेटा ए प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन बी का मीन्स है कि अगर ए इंक्रीज होगा तो बी डिक्रीज होगा। ठीक है बेटा, फाइन, पहले वाला क्या है? प्रोपोर्शनल है, और दूसरे वाला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में बता चुका हूँ बेटा, तो आई होप समझ गए होंगे आप, तो रटने का नहीं। ठीक है ना, क्लियर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या रिलेशन होता है इंटर मोलिकुलर स्पेस के साथ? जस्ट इन्वर्सली होता है। क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंक्रीज करते हैं तो इंटर मोलिकुलर स्पेस कम होगा। जैसे देखते हैं बेटा, लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनका स्पेस कम होता है। सॉरी, लिक्विड में नहीं बेटा, सॉलिड में। ठीक है, जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम बात करेंगे पहले सॉलिड स्टेट के बारे में। तो बेटा सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। सो सॉलिड स्टेट, अभी आप देखो बेटा जी, सॉलिड स्टेट के बारे में देखते हैं। सॉलिड स्टेट में क्या होता है? सॉलिड स्टेट कैसा होता है? ऐसे पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड के, बिल्कुल एक दूसरे से जस्ट मिले हुए। तो बेटा यहाँ पे क्या है, ये पार्टिकल्स, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है। और बेटा इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा है इनमें? इनके बीच में स्पेस कितना है? इनके बीच में तो स्पेस बहुत कम है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है यहाँ पे? कम होगा सॉलिड स्टेट में। ठीक है बेटा, समझ आया ना? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ऐसे ही लिक्विड स्टेट में देखो आप, लिक्विड स्टेट में क्या है बेटा? थोड़ा सा गैप होगा। ओके, ये लिक्विड स्टेट है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो गया है। क्लियर? लेकिन थोड़ा सा कम हो गया है, और इसके कम होते ही क्या हो गया बेटा? इंटर पार्टिकल स्पेस या फिर इंटर मोलिकुलर स्पेस, रटने का नहीं। ठीक है बेटा, क्लियर? इंटर पार्टिकल स्पेस, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया तो बेटा इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा हो गया? थोड़ा इंक्रीज हो गया है। सेम गैसेज स्टेट में, तो गैस तो किसी की सुनने नहीं वाली है, एक जाएगी अमेरिका और एक जाएगी इंग्लैंड। तो बेटा ऐसे। क्लियर? ये गैसेज स्टेट है। तो गैसेज स्टेट में क्या है बेटा? यहाँ तो क्या हुआ, फोर्स तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया इनके बीच में, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा कम है। तो बेटा इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा? बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे डायग्राम से दिख रहा है कि इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है। ओके, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है। आई होप क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, फाइन, इट इज़ क्लियर नाउ। सो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसेज स्टेट में एक ही रिलेशन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का और इंटर पार्टिकल स्पेस का, कि वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सारे के सारे स्टेट में बिल्कुल वेरी करेगा। ठीक है बेटा, तो रटने का नहीं है, बस समझने का। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बेटा बच्चे रटते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रटते नहीं है बेटा। अगर आप समझ गए ना तो आप ऑटोमेटिक खुद लिख सकते हो कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा या प्रोपोर्शनल होगा, बस ये देखना है। अच्छा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो फिर ये इंटर पार्टिकल स्पेस, क्योंकि
बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सिंपल। तो बेटा आप सीखो ना कि रटना है, ठीक है? ऐसे नहीं करना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ये, या ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, बच्चे रटते हैं इनको। नहीं बेटा, रटोगे तो भूल जाओगे डेफिनेटली, और अगर अच्छे से पढ़ोगे अच्छे से याद रखोगे तो माइंड में अपने आप सेट हो जाएगा, क्योंकि एक बार हम समझ चुके हैं। क्लियर? ओके, देखो अभी देखो बेटा, ये बिल्कुल मिले हुए हैं, बिल्कुल मिले हुए हैं, तो इसका मतलब इनमें जो फोर अट्रैक्शन है, इनमें जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, ये अगर एक दूसरे से बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं, इसका मींस इनमें जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। उसी को तो बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी अट्रैक्शन को तो हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बेटा? अभी अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके बीच में जो गैप है वो कितना है? अब गैप को क्या बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में? इसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। तो बेटा गैप कितना है? जब फोर्स बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए होंगे ना, मतलब गैप बहुत कम होगा ना। सिंपल, इतनी देर से मैं यही तो समझा रहा हूँ बेटा, है ना? क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, सो अभी हम बात कर रहे थे, वापस वहीं पे लेके आते हैं अपनी ट्रेन को। इंटर कन्वर्जन डिपेंड्स किस पे? चेंज इन टेम्परेचर पे और चेंज इन पार्टिकल्स, सॉरी चेंज इन प्रेशर पे। तो बेटा जब ये दोनों चीज़ें वेरी करती हैं, तो पार्टिकल्स में चेंज होता है। पार्टिकल्स में चेंज क्या होगा? उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंज होगा और इंटर पार्टिकल स्पेस में चेंज होगा। ओके, वो कैसे होगा वो भी हमने देख लिया है। तो बेटा चलिए अब करते हैं, इंटर कन्वर्जन करते हैं। क्लियर? सो चलिए बेटा देखो, आपको पता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सपोज करो ये आइस क्यूब है। ओके बेटा, ये आइस क्यूब है, और आइस क्यूब में बेटा ये सारे के सारे क्या हैं? ये पार्टिकल्स हैं इसके, ये पार्टिकल्स हैं। ओके, ये पार्टिकल्स हैं। तो ये आइस क्यूब है और ये इसके पार्टिकल्स हैं, ये इसके पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ रखे हुए हैं। क्लियर? फाइन। तो बेटा ये पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इसको टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। ओके, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब भी यही इफेक्ट होगा, अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो भी यही इफेक्ट होगा, ठीक है बेटा? ओके, टेम्परेचर इंक्रीज किया मैंने, तो बेटा ये क्या हुआ, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आइस पे हम टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाता है? वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो बेटा जैसे ही लिक्विड में चेंज हुआ, तो क्या हुआ, लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप इनडेफिनेट होती है। ओके, शेप इंडेफिनेट होती है। तो ये क्या है बेटा, आइस, और ये क्या है, वाटर। क्लियर? तो अभी आप यहाँ पे देखो, जैसे ही टेम्परेचर मैंने चेंज किया, ये है सॉलिड और ये है लिक्विड। ओके, तो बेटा अभी इनके बीच में कोई स्पेस नहीं था, अब इनका स्पेस थोड़ा बढ़ गया है, मतलब स्पेस बढ़ गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो गया, कम हो गया, ठीक है बेटा? तो टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करने पे स्टेट सॉलिड से यहाँ पे लिक्विड में चेंज हो गया, इसी को बोलते हैं इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन, ठीक है बेटा? तो अभी हमने सॉलिड और लिक्विड के बारे में बात की। चलिए बेटा नेक्स्ट पे आते हैं और देखते हैं कैसे इंटर कन्वर्जन होता है। देखिए, देखो बेटा, ये है आपका गैस स्टेट। ओके, इट इज सॉलिड एंड इट इज लिक्विड। ओके, अब देखो बेटा, आपने सुना है, सब सबने 9th क्लास में आ गए, आप 6th 7th 5th क्लास से साइंस पढ़ रहे हो, 5th 6th 7th 8th। ओके, सो देखो बेटा, ये वाटर है, ये वाटर है। वाटर को जब इवेपोरेट करते हैं, जब टेम्परेचर हम उसका इंक्रीज करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ओके, इवेपोरेशन में जब टेम्परेचर इंक्रीज करा, मीन्स कहीं पे पानी है, कहीं पे सी है, रिवर है, कुछ भी हो सकता है, या आप अपने ओपन पैन में भी अपनी रूफ पे पानी रख सकते हो। तो बेटा अगर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस पानी का क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। आपने वाटर साइकिल में पढ़ा है 5th 6th 7th 8th क्लास में, ठीक है? तो ऐसे उस वाटर का क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, मीन्स लिक्विड का इवेपोरेशन होता है। और इवेपोरेशन होता है तो वो वेपर में चेंज होता है। किस में चेंज होता है बेटा, वेपर में चेंज होता है। ये क्या है, वेपर। तो वो वेपर में चेंज होता है। क्लियर? अभी वेपर किसकी फॉर्म में होती है, गैस की फॉर्म में। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड का, तो इवेपोरेशन के प्रोसेस होता है, और वो किस में चेंज होता है, वेपर में। मीन्स लिक्विड किस में चेंज हो गया, गैस में। तो बेटा जब लिक्विड गैस में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ओके, जब टेम्परेचर हाई इंक्रीज करेंगे, तो एक प्रोसेस होगा इवेपोरेशन, उसमें क्या होगा, लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। जस्ट अब क्या होगा बेटा, अगर गैस है, अगर अभी हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया था ना, जस्ट इसका अपोजिट करेंगे अब हम,
अब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे यहाँ इस साइड। तो अगर हमारे पास गैस फॉर्म है, वेपर है, अगर हम वेपर का टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे, तो बेटा वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। गैस किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। तो हमने अभी तक बेटा क्या सीखा कि हम लिक्विड को गैस में चेंज कैसे करेंगे और गैस को लिक्विड में चेंज कैसे करेंगे। बेटा लिक्विड का अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। और अगर गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आना है तो हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्लियर? सो गैस और लिक्विड की कहानी क्लियर हो गई है। फाइन। चलिए बेटा, अभी मैं आपको कुछ टर्म्स लिखा रहा हूँ और बेटा दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, एग्जाम्स में जरूर पूछी जाती हैं, तो इनको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे बिल्कुल मिडल में अच्छे से, और इस साइड लिखना है टर्म्स, ओके, और इस साइड लिखना है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, टर्म्स चेंज इन स्टेट। तो बेटा फर्स्ट टर्म हमने क्या सीखी? पहला हमने सीखा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता क्या है बेटा? इवेपोरेशन में क्या हो रहा था? जब लिक्विड का टेम्परेचर हम हाई कर रहे थे तो वो गैस में कन्वर्ट हो रहा था। दैट मीन्स लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। अभी हमें गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो क्या होगा फिर? उसको बोलेंगे कंडेंसेशन, ओके, कंडेंसेशन। तो यहां पे अगर गैस को लिक्विड में चेंज करना है सो कंडेंसेशन, ओके। तो बेटा ये देखो, ये एक मैटर की स्टेट है, सो लिक्विड, लिक्विड का जो स्टेट है वो किस में चेंज हो रहा है? गैसेस स्टेट में। यहाँ पे गैसेस स्टेट किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड स्टेट में। क्लियर बेटा? फाइन, ओके। चलिए बेटा नेक्स्ट पे देखते हैं, फ्रीजिंग और मेल्टिंग। अभी देखो बेटा, हमें हमारे पास वाटर है और हमें आइस बनाना है, तो क्या करते हैं हम? फ्रीजर में रख देते हैं। फ्रीजर क्या करता है? टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, मीन्स यहाँ पे जो वो है टेम्परेचर उसका कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो फ्रीज वो क्या करता है? आइस को, वाटर को फ्रीज कर देता है, और वाटर को फ्रीज करने के बाद क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। और आइस क्या होता है? सॉलिड होता है, ठीक है बेटा। आइस क्या होता है? सॉलिड होता है। तो वाटर से अगर हमें आइस बनाना है तो हम फ्रीजर में रखते हैं। फ्रीजर क्या करता है? टेम्परेचर को डिक्रीज करता है और उसको, वाटर को फ्रीज करके आइस बना देता है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीजिंग। क्लियर? क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। और यहां पे क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है। अब बेटा अपने पास आइस है लेकिन हमें जूस बनाना है, या हमें आइस में मतलब वाटर बनाना है, उसका वाटर लिक्विड में चेंज करनी है, तो क्या करेंगे? आइस को फ्रीज से थोड़ा बाहर निकालेंगे, थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सो बेटा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और मेल्ट होने के बाद क्या बन जाएगा? उसका वाटर बन जाएगा। सो बेटा ये प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट आइस इनटू वाटर इज नोन एज मेल्टिंग। समझ आया? और ये बेटा फ्रीजिंग में क्या करते हैं? टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। मेल्टिंग में क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो समझ आया? सो देखते हैं बेटा फ्रीजिंग क्या है। फ्रीजिंग नेक्स्ट जो है, थर्ड प्रोसेस इज फ्रीजिंग। तो आपकी थर्ड टर्म क्या आई है? फ्रीजिंग। बेटा फ्रीजिंग में क्या करते हैं? फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में क्या होता है आपका? आपको लिक्विड से सॉलिड बनाना है, मींस वाटर से आइस बनाना है, सो लिक्विड टू सॉलिड। और नेक्स्ट क्या किया था? अगर वापस वाइस वर्सा जाना है, वाइस वर्सा मींस अपोजिट, अभी लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज किया, अभी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज करेंगे। अगर सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज करना है तो वाइस वर्सा मींस जस्ट अपोजिट। क्लियर? सो सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? मेल्टिंग करना पड़ेगा। क्लियर? मेल्टिंग, ओके। सो आई होप क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, तो ये जो चेंज इन हम स्टेट कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट को गैसेस स्टेट में चेंज करना, ये प्रोसेस क्या होता है? इवेपोरेशन। एंड कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच गैसेस स्टेट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट, ओके। एंड फ्रीजिंग इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड स्टेट्स, ठीक है। और बेटा मैंने आपको क्या बताया था इंपॉर्टेंट? क्या बताया था मैंने आपको? ये बताया था, जब भी स्टेट चेंज होगा तो दो कंडीशन होंगी, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर। तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने आपको अभी बताया टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं,
टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, और जो जैसे टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं ऐसे ही प्रेशर भी चेंज कर सकते हैं। सो इनकी डेफिनेशन क्या होगी, इनकी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो, बहुत ईजी है, मैं आपको लिखवाऊंगा अभी, डोंट वरी, बट आप खुद भी बना सकते हो। ओके, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट्स कन्वर्ट्स इंटू गैसेज स्टेट्स एट डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिंपल। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच गैसेज स्टेट्स कन्वर्ट्स इंटू लिक्विड स्टेट्स एट डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। फ्रीजिंग इज द स्टेट इन विच लिक्विड स्टेट्स कन्वर्ट्स इंटू सॉलिड स्टेट एट डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिंपल, बस आपको स्टेट पुट करनी है और अच्छे से डेफिनेशन बना लिया है। सिंपल, ठीक है बेटा। तो बस ये तो मैं आपको शॉर्ट में मैं आपको ताकि माइंड में सेट हो जाए ये मेल्टिंग होता क्या है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। देखो बेटा, सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू गैसेज स्टेट, जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। देखो बेटा, हमने जो नॉर्मली देखा है, हमारे पास सॉलिड होता है, मींस आइस होता है, ठीक है। तो आइस क्या होता है, आइस को अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले वो वाटर में चेंज होता है, मींस लिक्विड में चेंज होता है, और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो सॉलिड में चेंज होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर हमारे पास सॉलिड है तो सपोज करो आइस है ना, तो सॉलिड का टेम्परेचर हम थोड़ा बढ़ाएंगे, टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड किस में चेंज होगा, लिक्विड में। लिक्विड मींस वाटर में चेंज होगा। अभी हम लिक्विड का चेंज करेंगे, लिक्विड का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएंगे और उसके बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। वेपर क्या है बेटा, वेपर क्या है, वेपर है गैस। क्या है बेटा, गैस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, फिर लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। लेकिन बेटा कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली लिक्विड सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होगा। ठीक है बेटा, सॉलिड से गैस में चेंज होगा डायरेक्ट। क्लियर, फाइन। तो वो प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर सॉलिड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ओके, कुछ पर्टिकुलर सॉलिड्स होते हैं, सभी नहीं होते हैं, कुछ पर्टिकल्स होते हैं, अगर कुछ सॉलिड्स आते हैं जिनका टेम्परेचर हम अगर इंक्रीज करते हैं तो वो डायरेक्ट गैस में फॉर्म हो जाते हैं। यस, सो बेटा हम क्या बोल रहे थे, कुछ क्या होता है, कुछ स्टेट ऑफ मैटर, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड है लेकिन अगर हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर। जैसे आपने देखा होगा कैम्फर होता है, कैम्फर जो हम पूजा में यूज करते हैं। क्लियर, ओके। सो जब हम पूजा में यूज करते हैं कैम्फर होता है, कपूर जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो कैम्फर होता है, नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं। तो अगर कैम्फर को आप लाइट करोगे, जलाओगे उसको, तो वो डायरेक्टली उसकी वेपर बन जाती है, वो लिक्विड में चेंज नहीं होता है। ओके, वो लिक्विड में चेंज नहीं होता, डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है। सो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो रहा है मींस वेपर क्या है, गैस, और कैम्फर क्या है, सॉलिड। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैम्फर जो है डायरेक्टली एक प्रोसेस होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो डायरेक्टली गैसेज में चेंज हो जाता है। मीन्स दिस प्रोसेस इज द सब्लिमेशन इन विच सॉलिड स्टेट कन्वर्ट्स इंटू गैसेज स्टेट एट डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सही है बेटा, क्लियर। तो आई होप समझ आ गया होगा कि सॉलिड स्टेट जब गैसेज स्टेट में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है बेटा, अभी क्या होगा, आपके पास गैसेज आ गई, तो अभी अगर गैस को आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे, बहुत ज़्यादा करोगे, ओके, थोड़ा सा नहीं करना, अगर नहीं तो वो तो वाटर में बदल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वो डायरेक्टली सॉलिड में आ जाता है, किस में आ जाता है, वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। तो बेटा क्या है डिपोजिशन, समझ आया? डिपोजिशन इज द प्रोसेस इन विच गैसेज स्टेट्स कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड स्टेट एट डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिंपल, ठीक है बेटा। सो चलिए देखते हैं इनके बारे में। अभी सब्लिमेशन में हमने क्या पढ़ा, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टेट्स कन्वर्ट्स डायरेक्टली इंटू गैसियस स्टेट। ओके, सॉलिड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू गैसेस स्टेट्स, ओके, एट डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और बेटा इसका जस्ट वाइस वर्सा क्या होगा, इसका वाइस वर्सा होगा डिपोजिशन। क्या होगा बेटा, डिपोजिशन इज द प्रोसेस इन विच गैसियस स्टेट्स कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड स्टेट। ओके, तो बेटा देर आर सिक्स टर्म्स वी हैव टू लर्न अबाउट इट। क्लियर, फाइन। सो सिंपल है ना, वैसे भी वाटर साइकिल में हम इनको
पढ़े हुए हैं, पहले से ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। 6, 7, 8 में बहुत अच्छे से पढ़ा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इवेपोरेशन पता है, लिक्विड से गैस में चेंज हो गया, वाटर से वेपर में चेंज हो गया, कंडेंसेशन जस्ट वाइस वर्सा। रटना नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं रटना। अभी फ्रीजर में क्या करते हो, फ्रीजर में क्या होता है, फ्रीजर में वाटर रखते हैं, आइस बन जाता है, दैट मीन्स लिक्विड टू सॉलिड, और वाइस वर्सा क्या होगा, सॉलिड का लिक्विड, दैट इज मेल्टिंग। सब्लिमेशन, डायरेक्ट कैम्फर को जला रहे हैं, दैट मीन्स सॉलिड से गैस बन रहा है, तो दैट इज सब्लिमेशन। एंड जस्ट वाइस वर्सा इज डिपोजिशन, दैट इज गैसेस टू सॉलिड, इट इज डिपोजिशन। सही है बेटा जी? ओके, तो देर आर टर्म्स। ओके, तो बेटा अच्छे से आपको देख लेनी है, ये याद हो गई होंगी। रटना नहीं है लिक्विड टू, और ये रटना नहीं है, सिंपल, बहुत इजी डेफिनेशन आप अपने आप बना दोगे। मैं भी आपको भी एक डेमो देता हूँ, डेफिनेशन बनाता हूँ, और उसके बेसिस पे आप खुद भी बना सकते हो। बस पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंडेंसेशन। अगर आपको कंडेंसेशन बेसिक पता होगा तो बेटा बेसिक तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो ना आराम से बस। ओके, सो इट्स वेरी इजी। क्लियर बेटा? तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये, कैसे हम मैटर के स्टेट्स को चेंजेस करते हैं एट डेफिनेट प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो चलिए बेटा अभी देख लेते हैं। बेटा अभी तो ये तो थी शॉर्ट वे, अब थोड़ा लॉन्ग वे पे आ जाते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन कैसे बनाओगे। सो बेटा डेफिनेशन देखते हैं। सो डेफिनेशन, DEFINITION, डेफिनेशन, ठीक है बेटा जी, चलो शुरू करते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट एट ए डेफिनेट, एट ए डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट ए डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इज कॉल्ड, सिंपल बस ये डेफिनेशन बनानी है। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब यहां पे क्या करोगे बेटा, अगर आपको इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिखनी है तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैस इज स्टेट एट ए डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्लियर, समझ आया बेटा? फाइन, सो इस तरह से आप डेफिनेशन यहाँ पे बना लोगे। क्लियर, कोई सा भी आपसे कुछ भी पूछता है, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, ओके, एनी अदर, तो सिंपल यही डेफिनेशन बनेगी। बस आपको किससे हेल्प लेनी है, आपको इन टर्म्स से हेल्प लेनी है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है बेटा। चलो डेफिनेशन बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन लिक्विड स्टेट्स, लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट एट ए डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैसेस स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट ए डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट एट ए डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट ए डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग। The process of gases state, sorry, the process of conversion of gases state to solid state at a definite temperature and pressure is called deposition. I hope beta clear हो गया होगा, ठीक है बेटा जी? Fine, okay, so clear है? चलिए एक मैं एक दो definition मैं आपको लिखा देता हूँ, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है? चलिए, the process of conversion of liquid state to gaseous state at a definite temperature and डेफिनेट प्रेशर, डेफिनेट प्रेशर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सही है बेटा? बस क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन माइंड से करना, रट के नहीं करना।
क्लियर, बस सिंपल इवेपोरेशन की पूछ रहा है तो ये लिख देना है, और किसी की भी पूछे ये लिख देना है। क्लियर हुआ? फाइन, वर्ड सेम रहेंगे, बस ये स्टेट चेंज करना है, स्टेट चेंज करना है, क्लियर, और ये चेंज करना है। फाइन, सो इट इज द डेफिनेशन। आप देखो बेटा जी, जो मैंने आपको टर्म्स लिखवाई हैं, क्लियर, देखो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग। देखो बेटा इवेपोरेशन, अभी जब इवेपोरेशन प्रोसेस होगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है, एक जब अभी यहाँ क्या करेंगे हम इवेपोरेशन में, क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ओके, मैंने आपको भी बताया था टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे यहाँ पे। तो बेटा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जिस पे लिक्विड गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, जिसमें लिक्विड गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100। मीन्स वाटर हमने जीरो से स्टार्ट किया बॉयल करना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 80, 90, 99 तक कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही जीरो आ जाएगा, तो जैसे ही सॉरी जैसे ही 100 आ जाएगा 99 के बाद, तो वो वाटर गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वाटर की वेपर बनना शुरू हो जाएंगी। दैट मीन्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर कन्वर्ट्स इंटू वेपर फॉर्म, दैट इज। सो बेटा ये जो इवेपोरेशन का पॉइंट है वो 100 है, वो क्या है, 100 है, जिसमें वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, इसी को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी बोलते हैं। क्लियर? ऐसे ही फ्रीजिंग, बेटा फ्रीजिंग क्या होता है, जब हम फ्रीजर में रखते हैं और जैसे ही फ्रीजर का टेम्परेचर 0 डिग्री जाता है, ओके, तो 0 डिग्री पे क्या होता है, जस्ट सपोज करो अभी हमारे पास जो वाटर का टेम्परेचर है वो 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री पे हमने फ्रीज में रख दिया, 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही 0 पे जाएगा, 0 पे बर्फ बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो 0 क्या है, वो फ्रीजिंग पॉइंट है। वो क्या है बेटा, 0 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। ऐसे ही जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होगा तो धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जैसे ही जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा, वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। सो बेटा इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। क्लियर? इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, अभी के लिए आपको इवेपोरेशन पता चल गया, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, ओके, यू हैव ऑल नॉन अबाउट इट। क्लियर? ओके बेटा, फाइन। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमेशन। बेटा सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन मैंने आपको बताया था, कोई भी सॉलिड होता है वो टेम्परेचर, ओके, कुछ टेम्परेचर वगैरह में इंक्रीज करेंगे तो वो जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे आपने कैम्फर देखा होगा, कैम्फर होती है, नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, तो इसी को सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, और एक इसका एग्जाम्पल होता है ड्राई आइस। क्या होता है, ड्राई आइस। तो बेटा ड्राई आइस क्या होती है देखते हैं, ड्राई आइस क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है ड्राई आइस। ओके, ड्राई आइस का मतलब समझ रहे हो ना, आइस। ओके, एक तो होता है वाटर वाली आइस, एक ड्राई आइस होती है, बिल्कुल। अब वो ड्राई आइस कैसे बनती है, बेटा हमारे पास CO2 होती है, CO2, क्लियर, CO2 को, जो CO2 गैस होती है कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये वाली गैस होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको ना बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो करके, लो टेम्परेचर पर, ओके, लो टेम्परेचर पर इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और यही सॉलिड फॉर्म क्या कहलाती है, यही सॉलिड फॉर्म ड्राई आइस कहलाती है। ओके, आपने देखा भी होगा बेटा जब कैम्फर को जलाते हैं तो ऐसे कैम्फर से जैसे जलाएंगे तो डायरेक्टली ऐसे धुआं सा निकलता है डायरेक्ट, मतलब कोई वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज नहीं होता, डायरेक्टली गैस की फॉर्म में चेंज होता है। सो इट इज़ प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का क्या क्या एग्जाम्पल है बेटा, सबसे पहला ड्राई आइस, ओके, ड्राई आइस। नेक्स्ट कैम्फर आप लिख सकते हो, कैम्फर जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, कैम्फर, क्योंकि डायरेक्टली वो सॉलिड से गैस में चेंज होगा। तो ड्राई आइस कैसे बनती है, मैंने बता दिया ना ड्राई आइस का प्रोसेस क्या है, CO2 को बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उससे ड्राई आइस बनती है। क्वेश्चन भी आता है कि ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस है CO2, क्या है, CO2, क्लियर, CO2, ओके। सो बेटा ये सब्लिमेशन क्या है, ड्राई आइस है, कैम्फर है, ओके, ये भी ड्राई आइस, देखो ऐसा होता है ड्राई आइस, ये CO2 का बना होता है, किसका बना होता है, CO2 बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ CO2, सॉलिडिफिकेशन का मतलब है सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया हमने CO2 को, हमने नहीं किया, साइंटिस्ट ने किया है, ओके, मैं तो सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बेटा, फाइन, ओके। सो CO2 क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन करना CO2 का, उसी को
ड्राई आइस बोलते हैं। नेक्स्ट कैम्फर मैंने बताया आपको, और नेक्स्ट होती है नेफ्थलीन बॉल्स, जैसे आपने देखा होगा ये बॉल्स होती हैं वाइट कलर की जो वेशभूषण में यूज़ करते हैं। ओके फाइन, तो ये क्या होता है डायरेक्टली जब हम उसमें रखते हैं तो डायरेक्टली कोई लिक्विड में चेंज नहीं होती है, ये डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाती हैं, गैसेस में चेंज हो जाती हैं, धीरे धीरे छोटी छोटी होती रहेंगी और गायब हो जाएंगी, इनविजिबल हो जाएंगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, नेफ्थलीन बॉल्स। ओके समझ आया बेटा, क्लियर? नेफ्थलीन बॉल्स ये व्हाइट कलर की जरूर देखी होंगी आपने, घर में रखी होती हैं, ये कहीं पे भी रख लेते हैं, कूलर में डाल देते हैं, वॉश मशीन में डाल देते हैं नेफ्थलीन बॉल्स को। सो नेफ्थलीन बॉल्स हैं और कैम्फर है, ड्राई आइस है, ये सब क्या है बेटा, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। क्लियर? सब्लिमेशन। अब आते हैं बेटा जी डिपोजिशन पे, डिपोजिशन। ओके डिपोजिशन, डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है बेटा, अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम कर रहे थे सॉलिड को गैस में चेंज कर रहे थे, सॉलिड को गैस में। तो बेटा सॉलिड को गैस में चेंज करेंगे तो वो होगा सब्लिमेशन। क्या होगा? सब्लिमेशन। सॉलिड को गैस में चेंज करेंगे वो होगा सब्लिमेशन। और बेटा गैस को अगर सॉलिड में चेंज करेंगे, गैस को सॉलिड में चेंज करेंगे तो गैस को सॉलिड में चेंज करेंगे वो होगा डिपोजिशन। क्या होगा बेटा? डिपोजिशन, डिपोजिशन। ओके डिपोजिशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा फ्रोस्ट। क्या है? फ्रोस्ट। फ्रोस्ट आपने देखा है, फ्रोस्ट क्या होता है? सो बेटा जी चलते हैं डिपोजिशन के बारे में। ओके सो डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिट का डिपोजिशन का एग्जांपल है फ्रोस्ट। अभी फ्रोस्ट क्या होता है बेटा, विंटर सीजन में आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा विंटर होती है तो जो प्लांट्स के ऊपर जब हम अर्ली मॉर्निंग उठ के देखते हैं तो नाइट में तो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल क्लियर होते हैं, लेकिन क्या होता है प्लांट्स में वैसे तो कुछ नहीं होता, ठीक है? ओके सिंपल। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, एयर की फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? एयर। एयर का मीन्स गैस की फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं विंटर सीजन में तो हमें उस पर छोटी 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 कभी तो लिक्विड मिलता है, और अगर ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो आइस की फॉर्म में मिलती है, वो भी नॉर्मली हिली एरियाज में या बहुत ज़्यादा जो कूल एरियाज हैं। ओके वहाँ पे आइस की फॉर्म होती है, विंटर जो लीव्स पे हैं वो आइस डिपोजिशन होती है वहाँ पे, मींस आइस जमी हुई होती है। तो बेटा ये है गैस, गैस फॉर्म से किस में आ गया, सॉलिड फॉर्म में, गैस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में, तो इसी को फ्रोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रोस्ट। क्लियर? फ्रोस्ट जो सॉलिड फॉर्म में होता है इसी को फ्रोस्ट बोलते हैं। सो ये किसका एग्जांपल है बेटा, जब भी गैस सॉलिड में चेंज होगा, जब भी गैस सॉलिड में चेंज होगा इसको बोलेंगे डिपोजिशन। गैस अगर सॉलिड में चेंज होगा इसको बोलेंगे डिपोजिशन। ओके गैस अगर सॉलिड में चेंज होगा इसको डिपोजिशन बोलेंगे। क्लियर? फाइन। सो इट इज कॉल्ड डिपोजिशन। ओके फाइन। सो फ्रोस्ट है, और इसका एक एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बेटा जो फोग होता है ना, फोग, फोग मींस धुआं। अगर काला काला धुआं है और अगर हम उसको कलेक्ट करते हैं, अगर फोग को कलेक्ट करके पहले बनाते थे, ये जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बनाते थे फोग को कलेक्ट करके, जो आइज में डलता है ना काजल, ओके काजल वो बनाते थे। तो बेटा काजल आपने देखा होगा, उसकी एक बॉक्स, छोटा सा बॉक्स होता है, सो उसमें होता है, वो कैसा होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। दैट मींस ये है फोग, ठीक है बेटा? अभी फोग कैसा होता है, फोग होता है गैस की फॉर्म में, और फोग को उसको एक्यूमुलेट करके, कलेक्ट करके, कलेक्ट करके क्या बना लेते हैं, काजल। काजल किस फॉर्म में होता है, काजल होता है सॉलिड की फॉर्म में, ब्लैक ब्लैक कलर का जो आंखों में डालते हैं वो, ठीक है बेटा? ये सॉलिड की फॉर्म में होता है। तो अभी गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस उसको फोग को कलेक्ट करते हैं, धुएं को कलेक्ट करते हैं, ओके धुआं, धुएं को कलेक्ट करते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिपोजिशन। सही है बेटा? तो डिपोजिशन के एग्जांपल्स क्या हुए, डिपोजिशन, डिपोजिशन के एग्जांपल क्या हुए बेटा, फ्रोस्ट एंड, फ्रोस्ट एंड कन्वर्जन ऑफ फोग। क्लियर? ओके ये फ्रोस्ट, ये आपके डिपोजिशन के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है बेटा? फाइन। ओके तो समझ आ गया सब्लिमेशन क्या है, डिपोजिशन क्या है। बस बेटा डेफिनेशन से सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बस कुछ एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए कि ये डिपोजिशन के एग्जांपल्स क्या हैं और सब्लिमेशन के क्या हैं। अगर एग्जाम्पल याद रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक डेफिनेशन भी याद आ जाएगी, ठीक है? ओके क्योंकि हमें चीज़ें एग्जाम्पल से ज़्यादा याद रहती हैं। ओके बेटा चलिए कुछ टर्म्स के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, तो कुछ पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो बेटा डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? देखो बेटा यहाँ पे क्या है,
दो बीकर हैं और यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, और ये भी एक बीकर है और यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं। अब क्या हुआ, डिफ्यूज़न क्या होता है, इंटरमिक्सिंग मैंने आपको बताया था, बिल्कुल मिक्स होंगे। तो क्या हुआ, ये लिक्विड है, सपोज़ करो ये वाटर है, ये मैंने यहाँ पे इसमें शुगर डाल दी है, ठीक है। अभी शुगर के ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, जब मैं एक स्पून डालूंगा तो बिल्कुल वो एक साथ होंगे, ओके, बिल्कुल वो एक साथ होंगे। और जैसे ही मैं इसमें स्पून डाल के इसको स्टिर करूँगा इस लिक्विड को, तो वो बिल्कुल दूर दूर फैल जाएंगे शुगर के मॉलिक्यूल्स। तो बेटा इसी को बोलते हैं डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं डिफ्यूज़न? तो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो बेटा ये मॉलिक्यूल्स थे, अभी तो ये ऐसे थे बिल्कुल हाई कंसंट्रेशन में, हाई कंसंट्रेशन का मीन्स एक साथ ये ऐसे लगे हुए हैं, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन मीन्स एक साथ ऐसे डिपोजिटेड हैं, एक साथ एक्यूमुलेट हैं, एक साथ यहाँ पे, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा कम है। और अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, क्लियर, ओके बेटा। तो अभी यहाँ पे क्या है, इनका हाई कंसंट्रेशन है, इसी को क्या बोलेंगे, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। तो बेटा जैसे ही स्टिर किया तो मॉलिक्यूल्स क्या आ गए, एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आ गए, उसको बोला हमने लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन किसमें, लो कंसंट्रेशन में अगर मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है वो हाई है और यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसी हो गई, लो हो गई। लो का मतलब उनकी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो गई, क्लियर। सो नेक्स्ट बेटा इस प्रोसेस में क्या करेंगे, जब मैं लिक्विड को स्टिर करूँगा स्पून से तो उसमें वाटर भी स्टिर होगा और मॉलिक्यूल्स भी, मतलब वाटर में भी मूवमेंट होगा और मॉलिक्यूल्स में भी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मूव। बेटा सॉल्यूट बोलते हैं यहाँ पे, शुगर को सॉल्यूट बोलेंगे, जो चीज़ मिलाई जाती है और जिसमें हम ऐड करेंगे उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। सॉल्वेंट क्या है, वाटर, क्लियर, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, ओके। तो सिंपल सी बात ऐसी है बेटा डिफ्यूज़न के बारे में, अगर हम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स, ओके, डिफ्यूज़न, यहाँ पे ये दो कंडीशन फॉलो होती हैं डिफ्यूज़न में, कि मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स शुड बी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, क्लियर, और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ मूव, क्लियर। सो डिफ्यूज़न इज नथिंग, इट इज हाई टू लो कंसंट्रेशन, हाई टू लो कंसंट्रेशन, सिंपल, हाई टू लो कंसंट्रेशन। और ये दोनों मूव करते हैं इसमें, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मूव करते हैं, क्लियर। सो ये है डिफ्यूज़न। आई होप बेटा वही है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, डिफ्यूजन इज नथिंग बट इंटरमिक्सिंग, ओके। वो इंटरमिक्सिंग मैंने आपको अब डिटेल में बता दी है कि कैसा होता है, जब हम स्टार्टिंग में डालते हैं तो बिल्कुल मिले हुए होते हैं जो शुगर के सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन जैसे ही हम उनको शेक करते हैं, मूवमेंट करते हैं ग्लास में या स्टिर करते हैं, मतलब मीन्स हिलाते हैं उसको, तो वो क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन हाई से लो कंसंट्रेशन हो जाती है, और इसमें सॉल्यूट भी मूव करेगा और सॉल्वेंट भी, दोनों मूव करेंगे। अब बेटा एक प्रोसेस है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है, आपने ओस्मोसिस सुना भी है, जैसे एक्वागार्ड होता है वो यूवी होता है, ओस्मोसिस होता है, रिवर्स ओस्मोसिस होता है, इस तरह के कुछ प्रोसेस होते हैं। सो ओस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मींस वाटर, अभी मैंने बताया वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ ए सॉल्वेंट अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लो कंसंट्रेशन, क्लियर, ओनली सॉल्वेंट मूव्स। तो बेटा इसमें क्या होता है ओस्मोसिस में, इसमें तो डिफ्यूजन में सॉल्यूट भी मूव होता है और सॉल्वेंट भी मूव होता है, लेकिन ओस्मोसिस में क्या होता है, सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है, सॉल्वेंट मींस वाटर, सिर्फ वाटर मूव करेगा, सिर्फ वाटर मूव करेगा इसमें, ठीक है, ये पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, सिर्फ वाटर मूव करेगा, क्लियर, सिर्फ वाटर मूव करेगा, ओके। तो ये क्या होगा बेटा, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल का मतलब होता है इस, ये जो मेम्ब्रेन है ये एक, आप सपोज कर लो कि एक वॉल है, तो इस वॉल में कुछ होल्स हैं, लेकिन ये वॉल कुछ इस तरह की, अगर ये जिसको चाहेगी उसी को अंदर आने देगी, जिसको नहीं चाहेगी उसको अंदर आने नहीं देगी, क्लियर। तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ ही पार्टिकल्स एंटर कर पाते हैं और कुछ एंटर नहीं कर पाते हैं। सो मूवमेंट ऑफ ए सॉल्वेंट अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, पार्टिकल्स, ये सॉल्वेंट हैं जो पार्टिकल्स हैं, ओके, सॉल्वेंट क्या है, पार्टिकल्स। तो सिंपल वही है जो मैंने आपको डिफ्यूजन में बताया, बस बेटा यही डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हाई टू लो कंसंट्रेशन होगी। देखो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है,
यहाँ पे इस साइड में, लेफ्ट साइड में, इस साइड में, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, लेकिन जब ये पार्टिकल्स यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चले गए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे सॉल्वेंट मूव कर रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वाटर ज़्यादा था, तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन हाई थी इस साइड में, इस साइड में वाटर की कंसंट्रेशन हाई थी, अब इस साइड में वाटर कम हो गया, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई। वाटर क्या है, सॉल्वेंट, तो ओनली सॉल्वेंट मूव्स। सो यहाँ पे भी हाई कंसंट्रेशन, हाई टू लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट मूव्स, सॉल्वेंट मूव्स। बस बेटा थोड़ा मेन मेन बातें आपको याद रखनी है, जिससे आपको पता चले कि ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होता क्या है, ठीक है। चलिए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, ओके, ये डिफ्यूजन होता है। और इसमें क्या होता है बेटा, सोल्यूट, सोल्यूट मतलब जिसको मिक्स करते हैं, और बेटा ये वाली टर्म याद कर लो, ठीक है, जिसको मिक्स करते हैं उसको सोल्यूट बोलते हैं, और जिसको, जिसमें मिक्स करते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ मूव, बोथ मूव, इसमें दोनों मूव करते हैं, बस यही तो मैंने सिखाया, ओके। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में भी यही होता है सेम, ऑस्मोसिस में क्या होता है, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन इसमें क्या करता है, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है, मींस वाटर मूव करेगा, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मूव करेगा, ओनली सॉल्वेंट मूव्स। आई होप बेटा क्लियर है ये, ठीक है बेटा, फाइन, आई थिंक इट इज क्लियर। ओके बेटा, फाइन, सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर, सो नाइस टू मीट यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्माइलिंग, और बेटर अच्छे से रिवाइज करते रहना, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, तब तक के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए क्या आने वाला है, इट विल बी अ सरप्राइज। बेटा एक अच्छे से, एक इस इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करो कि कुछ ना कुछ आज सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है बेटा, फाइन। तो चलिए एक बार फिर से क्विक रिवीजन ले लेते हैं, आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, और बेटा आप भी देख लो कि रिवीजन कैसे करते हैं। सो लेक्चर नंबर 7 हम पढ़ रहे थे, आज हमने बात करनी है कि मैटर की जो स्टेट है उनका कन्वर्जन कैसा होगा। सो इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन कैसे करेंगे, स्टेट्स टू स्टेट चेंज करेंगे, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे, लिक्विड को गैस में, कुछ भी स्टेट आपस में चेंज करेंगे, कैसे होगा वो। तो बेटा इंटर कन्वर्जन डिपेंड्स किस पे करता है, जब भी मैटर की स्टेट का इंटर कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्ट करेंगे उनको स्टेट से लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड को गैस में, ओके, तो वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ओके, और इन फैक्टर्स पे होता है। तो पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस एज यू कैन से, उसमें चेंज होता है, ठीक है बेटा, क्लियर। सो ये मैंने आपको बताया कि जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, तो टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, अगर लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो ये बेटा एक फिगर है, इसके थ्रू आप सारी चीज़ें एक सेकंड में रिवाइज कर सकते हो कि क्या हो रहा है, ठीक है बेटा। सो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन होगा तो लिक्विड टू गैस जाएगा, और जस्ट वाइस वर्सा, गैस टू लिक्विड होगा तो कंडेंसेशन होगा। फ्रीजर में रखते हैं क्या करने के लिए, फ्रीज करने के लिए, सो लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग होगा, जस्ट वाइस वर्सा, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग होगा, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन होगा, और गैसेस टू सॉलिड डिपोजिशन होगा, क्लियर बेटा, फाइन। सो ये 6 टर्म्स याद रखने हैं, जिनके बेसिस पे आप डेफिनेशन बना सकते हो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट और एट ए डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड प्रोसेस, सिंपल, सब्लिमेशन, आप डिपोजिशन, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एक डेफिनेशन मैंने आपको बना के दिखाई, आप कुछ भी बना सकते हो, बस एक वर्ड्स यही रहने वाले हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट एट ए डेफिनेट टेम्परेचर एंड डेफिनेट प्रेशर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। इसी तरह से आप कंडेंसेशन की बना सकते हो, बस स्टेट का ख्याल रखना है, अगर आपको वो टर्म्स याद रही हैं तो डेफिनेटली समझ आएगा, क्लियर बेटा। एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन की कुछ एग्जाम्पल्स है, ड्राई आइस, ड्राई आइस कैसे बनती है, जब हम CO2 को बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर करके उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं उसको ड्राई आइस बोलते हैं, और ये सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, ड्राई आइस, ड्राई आइस को, ठीक है बेटा, जब हम ड्राई आइस को यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाती है, ड्राई आइस डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाती है। देखो आइस का मतलब सॉलिड रहेगी, लेकिन ये सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है, डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है, इसका मीन्स ये सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। कैम्फर भी एक सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, कैम्फर, क्लियर हुआ। तो ड्राई आइस, कैम्फर और नेफ्थलीन बॉल्स, ये मैंने आपको फिगर दिखा दिया, नेफ्थलीन बॉल्स भी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट था बेटा डिपोजिशन, डिपोजिशन क्या होता है, अगर हम
गैसेस फॉर्म को, जस्ट जो सब्लिमेशन है उसका वाइस वर्सा डिपोजिशन है, तो गैसेस फॉर्म को हम सॉलिड स्टेट में चेंज करेंगे उसको डिपोजिशन बोलेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया फ्रोस्ट, ठीक है बेटा, फ्रोस्ट जो विंटर सीजन में जो लीव्स के ऊपर जो आइस डिपोजिट हो जाती है उसी को डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है, फ्रोस्ट डिपोजिशन का एग्जांपल है। और जैसे फोग होता है, फोग को कलेक्ट करके काजल बना लेते हैं, तो वो भी एक डिपोजिशन का एग्जांपल है, ठीक है। पुराने टाइम में पुराने लोग बनाया करते थे, आपके पेरेंट्स बता सकते हैं, ठीक है, कि काजल कैसे बनता था, ओके फाइन। फिर कुछ प्रोसेस हैं, एक पर्टिकुलर टर्म्स हैं, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेटा? कुछ डिफरेंस नहीं होता, सिंपल डायग्राम को माइंड में सेट कर लो। और डिफ्यूजन मैंने बताया आपको, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करते हैं। और ऑस्मोसिस में यहाँ पे भी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट मूव करेगा। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट जिसको मिक्स करते हैं, और सॉल्वेंट जिसमें मिक्स किया जाता है, ओके, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ठीक है बेटा। सो जस्ट ऐसे हम रिवाइज कर सकते हैं, क्लियर। तो आप ऑन टाइम रिविजन करते रहा करो, जिससे कि माइंड में सारी चीज़ें सेट रहें। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, हैव ए नाइस डे। Pitam pranam pitam adabuddhi balam janataranam.